नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। स्वाट एवं थाना पनवाड़ी संयुक्त पुलिस टीम ने नकली नोटों के गोरख धंधे का किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अपराधियों का चिन्हांकन कर उनके क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में गठित स्वाट टीम एवं थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में गठित संयुक्त पुलिस टीम ने थाना पनवाड़ी क्षेत्र अंतर्गत एकता ढाबा के पास मुख्य सड़क मार्ग बहद ग्राम पनवाड़ी के पास से अभियुक्त अंकुर कुमार बिंद पुत्र रामकृत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम हाटा थाना मोमदाबाद जनपद गाजीपुर को हिरासत में लिया। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोटों सहित नोट छापने का प्रिंटर पेपर इंक 3 मोबाइल व अपाची बाइक को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया। अभियुक्त अंकुर उपरोक्त काफी समय से महोबा लॉरी तिगेला के पास किराए के मकान में रह रहा था और YouTube के माध्यम से नकली नोट बनाना सीखकर कूटरचित भारतीय जाली नोट तैयार करता था जिसे मार्केट में खपत करने के लिए निकाला था। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर किराए के मकान से भी बरामदगी की गई है। दिनांक 30 मई 2024 को जनपदीय स्वाट एवं थाना पनवाड़ी की संयुक्त टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम अंकुर कुमार बिंद पुत्र रामकृत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम हाटा थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया गया जिसके पास से 100, 200, 500 के नकली नोट जो कि 15 लाख रुपए के करीब और एक नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर इंक एवं 3 मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अभी एक महीने से जो असली नोटों को जेरोक्स करके नकली नोट बनाकर भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करता था और उसने ये भी बताया कि वह YouTube के माध्यम से नकली नोट बनाना सीखा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना पनवाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 123/24 धारा 420 489A 489B 489C 489D 489E IPC में पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल में जाना। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।